दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय HP मिल्कफेड। शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें। राजगढ़ उपमंडल की सीमा के साथ सटे क्षेत्र के प्रसिद्ध आराध्य देव विजट महाराज की नगरी सराहा के विवेक कष्टा ने एक ऐसी एयर गन तैयार की है जिसका प्रयोग किसान व बागवान अपनी फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए कर सकते हैं। इस गन से जहां जंगली जानवरों व पक्षियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, वहीं ये गन पर्यावरण को भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती है। कैसे तैयार की गई एयर गन, आइए जानते हैं। इस गन को तैयार करने के लिए भवन निर्माण में प्रयोग होने वाली प्लास्टिक की पाइपों, रसोई घर में प्रयोग होने वाले लाइटर व इस गन को चलाने के लिए गैस बेल्डिंग में प्रयोग होने वाले कार्बाइड नामक पदार्थ का प्रयोग किया गया है। कैसे चलती है ये एयर गन, आइए जानते हैं। इस एयर गन में कार्बाइड के 4-5 छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं और 1 चम्मच पानी भी डाला जाता है। उसके बाद गन को आगे से कागज से बंद करके थोड़ी देर हिलाया जाता है ताकि पानी व कार्बाइड का मिश्रण हो जाए। उसके बाद गैस लाइटर के बटन को दबाया जाता है जिसको दबाते ही जोरदार धमाका होता है और खेतों व बगीचों से जंगली जानवर व पक्षी भाग जाते हैं। लाइफ टाइम्स TV के लिए राजगढ़ से गोपाल शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना के खतरे में हर दम समाज के साथ खड़े हैं हम। हम हैं लाइफ टाइम्स TV। घरों में रहे, सुरक्षित रहे। कर्फ्यू में ढील के समय खरीदारी करने जाते हुए और किसी भी कार्य के लिए बाहर निकलने के समय मुंह पर लगाएं मास्क। बाहर से घर आकर साबुन अथवा सैनिटाइजर से अच्छी तरह साफ करें हाथ। आपकी सतर्कता ही सभी की है सुरक्षा। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें। YouTube पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।